बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उन सारे स्टूडेंटों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज किस वीडियो के माध्यम से बताने वाले की आप लोगों के लिए कुछ अपडेट आया है, उस अपडेट के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला। उसके बाद ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन कब तक होने की संभावना है। साथ में बहुत स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि मेरा लिस्ट में अभी तक नाम नहीं आया है तो आप लोगों को क्या करना है, वो भी जानकारी देने वाला। साथ में आप लोगों को लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए कुछ अपडेट आया है, उस अपडेट के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला। उससे पहले अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है। अब आप लोगों को बताने वाले कि आप लोगों के लिए क्या अपडेट आया है, साथ में आप लोगों के लिए कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट जमा करने की आवश्यकता है जिन भी स्टूडेंट का अभी तक लिस्ट में नाम नहीं आया है उन सारे स्टूडेंटों के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, मैं आप लोगों को जो बताने वाला वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। उसके बाद आप लोगों को बताने वाला हूँ ऑनलाइन आवेदन कब से होगा और आप लोगों को लिस्ट में नाम कब से आप लोगों को दिखाई देगा, लेकिन आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रथान योजना हेतु महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए दिया गया है, आप लोगों को ध्यान से देखना है और आप लोगों के इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट फिर से जमा करने की आवश्यकता है। उसके बाद देख लीजिए, स्नातक सत्र 20 से 23 उत्तीर्ण छात्रों को सूचित किया जाता है कि आप सभी अपना नामांकन रसीद, आधार कार्ड और खंड 3 यानी पार्ट 3 का अंक पत्र और बैंक पासबुक की छाया प्रति कॉलेज में जमा करें। ये आप लोगों को कॉलेज में जमा करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आप लोगों को कौन कॉलेज है, कौन यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में यहाँ पर अपडेट नहीं है, आप लोगों को आगे जानकारी मिल जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से, तो ध्यान से देखिए। उसके बाद देख लीजिए, स्नातक प्रथान राशि के लिए कॉलेज द्वारा डाटा विश्वविद्यालय को भेजा जाना है ताकि समय रहते सभी छात्राओं का मेडा सॉफ्ट वेबसाइट पर स्नातक प्रथान योजना के पोर्टल पर उक्त TR को विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किया जा सके। यानी यहां पर आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि आप सभी स्टूडेंट अपने कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट जमा करेंगे जिससे कि आप लोगों का वेबसाइट पर जो है नाम अपलोड कर सके। TR का मतलब होता है कि आप लोगों को सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी डाटा है, स्टूडेंट का नाम, पिताजी का नाम, DOB, वो आप लोगों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को स्टूडेंट लिस्ट में नाम दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या बताया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, TR अपलोड हो जाने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की तिथि जारी की जाएगी जिसमें स्नातक सत्र 18 से 21, 19 से 22 और 20 से 23 तीनों सेशन के छात्रों का ऑनलाइन आवेदन का लिंक एक्टिव किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी अपने महाविद्यालय से संपर्क करें। यानी यहां पर आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि अगर आप लोगों का सेशन 18 से 21 है, 19 से 22 और 20 से 23 है तो आप लोगों को एक साथ ऑनलाइन आवेदन होगा और एक साथ आप लोगों को डाटा वेबसाइट पर शो करेगा। और बहुत स्टूडेंट का ये भी सवाल होगा, तो हम तो सितंबर 2023 में ही डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, क्या हमको फिर से जमा करने की आवश्यकता है? तो नहीं। अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगस्त 2023 से लेकर अभी तक, यानी जिस डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ डेट है 16 जून 2024, यानी सितंबर 2023 से लेकर 16 जून 2024 के बीच में अगर आप लोग डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं एक बार, तो आप लोगों को दोबारा अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है, तो मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अब देख लीजिए ये कौन अपडेट आया है, किस यूनिवर्सिटी के लिए और किस कॉलेज के लिए। तो ये जो अपडेट आया है आप लोगों को, माँ बागेश्वरी महाविद्यालय छोटकी नवादा गया से अपडेट आया, ये मगध यूनिवर्सिटी के लिए अपडेट दिया गया, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये 12/6/2024 को ये नोटिस जारी हुआ और हमको 12/6/2024 को ही मिल गया था, लेकिन मैं वीडियो थोड़ा लेट से बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जाकर डॉक्यूमेंट जमा करना है। आप लोगों को 16, 17 और 18 जून को आप लोगों को अपने कॉलेज नहीं जाना है क्योंकि आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बकरीद के शुभ अवसर पर बंद रहेगा 18 जून 2024 से, यानी 19 जून से लेकर आप उसके बाद जा सकते हैं। इसका लास्ट डेट जो है कॉलेज द्वारा देख लीजिए 23/6/2024 रखा गया। अगर आप लोगों का अगर दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट है तो आप लोग अगर कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए तो आप अपने यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जमा करेंगे, अगर इस कॉलेज के स्टूडेंट है तो आप लोग अपने कॉलेज में ही जाकर डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, अगर आप लोगों मगध यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो डायरेक्ट अपने यूनिवर्सिटी में जाकर डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। रिक्वेस्ट करके जमा करना क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी आपके लिए डेट दिसंबर में ही निकाला था, जमा नहीं किए तो वो आपका समस्या है, तो आप लोग जाकर अपने यूनिवर्सिटी में रिक्वेस्ट करके जमा कर सकते हैं। अगर जमा भी नहीं लेता है तो आप लोगों को घबराना नहीं, आप लोगों के लिए फिर से अपडेट आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट लगेगा, तो यहाँ पर दिया गया आवश्यक डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप लोगों को फोटो भी लगेगा, पार्ट 3 का मार्कशीट लगेगा, उसके बाद देख लीजिए
पार्ट थ्री का आप लोगों को प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड भी लगेगा, उसके बाद आधार कार्ड की छाया प्रति लगेगा, उसके बाद बैंक पासबुक लगेगा, उसके बाद देख लीजिए पार्ट थ्री कॉलेज पहचान पत्र या नामांकन रचे। अगर आप लोगों का यहाँ पर देख लीजिए पार्ट थ्री का कोई भी पहचान पत्र है तो आप लोग जाकर जमा कर सकते हैं, तो एडमिशन रसीद भी दे सकते हैं, तो आप लोग टेंथ का मार्कशीट भी जाकर जमा कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बता दूं, इसका ऑनलाइन आवेदन जो है जुलाई में होने की संभावना है, लेकिन इसका ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आया है कि आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन कब से होगा। अब बहुत स्टूडेंट का सवाल होगा कि लिस्ट में नाम क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मोएडा सॉफ्ट का वेबसाइट अभी तक ओपन नहीं हुआ। जैसे ओपन होगा वैसे टीआर अपलोड किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन होने से पहले आप लोगों का नाम शो करेगा, अभी वेबसाइट शिक्षा विभाग द्वारा ओपन नहीं किया गया जिसके कारण कि आप लोगों का लिस्ट में नाम नहीं शो कर रहा है। तो इंतजार करना है, जब तक ना शिक्षा विभाग द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तब तक ना आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किया जाएगा। हो सके तो आप लोगों को जुलाई में आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन होने की संभावना है। तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बता दियो, इसके बावजूद अगर कोई डाउट है प्रॉब्लम तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ में हमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।